अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तकरीबन शाम के 4:30 बज गए और बहुत ज़्यादा गर्मी आज, लेकिन अभी हम मेरे कज़न्स आ रहे हैं दुबई से, तो हम उनको लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो मेरे साथ मेरे दो भतीजे हैं और अभी मामू, अभी हम जा रहे हैं मामू के हुजरे में, गाड़ियाँ खड़ी है, तो अभी मामू की कॉल भी आ गई, तो उधर से जाके उधर से बैठेंगे और फिर आगे निकलेंगे। क्योंकि अभी हम हुजरे तो पहुंच गए, मामू लोग तो निकल गए, हम दो गाड़ियों में जाएंगे। मामू लोग अपनी गाड़ी में निकल गए और हम अभी इसमें जाएंगे, तो वो क्योंकि मेरे दो कज़न के दोनों की अलग अलग फ्लाइट से, तो पहले वाले आ गए हैं, उन्होंने थोड़ा वेट किया इसलिए वो जल्दी निकल गए और अभी निकलेंगे। तो अभी हम बस बैठने लगे हैं, तो भाई हम बैठ गए गाड़ी में और अभी ऐसे ऐसे जाएंगे क्योंकि फ्लाइट में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं CNG वगैरह वगैरह जो है वो डालेंगे और उसके बाद जो है हम निकलेंगे आगे। बहुत ज़्यादा था और हमारे पास अभी टाइम कम है, तो बस हमने नहीं डलवाई क्योंकि हमारे घर में इतने CNG है जिस पर हम आ भी जाएंगे और चले भी जाएंगे। तो वही अभी हमने पतेजांग इंटरचेंज क्रॉस कर लिया, आगे जाते हुए हमें सामने एक CNG पंप सामने आ गया, तो हमने गनीमत समझा, हमें कहा भाई चलो शुक्र उसमें रश नहीं था, तो हमें उधर रुक गए और अभी CNG वगैरह इधर डलवाएँगे। फिर तकरीबन अभी उनके फ्लैट में तकरीबन 5 मिनट रहते हैं, तो बस रास्ता भी तकरीबन ख़त्म होने वाला, जब तक वो निकलेंगे हम उधर तब तक हम इंशाल्लाह पहुंच चुके होंगे। तकरीबन सूरज ग़ुरूब होने लगा है और हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हदूद में तकरीबन दाखिल हो गए। देखें सूरज ग़ुरूब होने का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, गाड़ियों का इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है और इतना ज़्यादा रश है कि अब अल्लाह ही खैर करे कि किस टाइम हमारी बारी आएगी। हम 10 नंबर पार्किंग पे आ गए, कज़न ने बताया कि आप हम 10 नंबर पार्किंग पे खड़े, तो उनकी गाड़ी ये सामने खड़ी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंच गए, इसहाक खुश नज़र आ रहा है क्योंकि पापा से मिलेगा बहुत टाइम बाद। तो अभी ये कि एक कज़न तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है और वो अंदर वेट कर रहे हैं, बाकी कज़न और मामू जो आए हुए वो भी अंदर हैं और हम अभी पहुंच गए, हम अभी अंदर जाते हैं उनसे मिलते हैं। और दूसरे कज़न की फ्लाइट वो भी हाँ तकरीबन 10 मिनट पहले उनके जहाज़ भी उतर चुका है, तो वो भी शायद अभी बाहर आने में तो उनको देर लगेगी तकरीबन 15-20 मिनट, तो अभी जो पहले आ चुके हैं उनसे मिलते हैं। और चूँकि हम एक्सीलेटर पर आ गए लेकिन एक्सीलेटर तो ऑलरेडी ख़राब है, हमें खुद ही ऐसी तरह वो नीचे जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट तो हम अंदर आ गए लेकिन इधर तो बहुत ही ज़्यादा रश है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गए हमारे कज़न पहुँच गए, वो आ गए बच्चे उनसे पहले पहुँच गए तो लेने तो ये जी पहुँच गए, हमें आइए हम भी आए दूसरी साइड से जाते हैं उनसे मिलने। शुक्र है हमारे दोनों कज़न पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, और अभी हम सामान वगैरह गाड़ी में रखेंगे और आगे निकलेंगे। कुछ सामान तो उस वाले गाड़ी में रखा और कुछ जो है मामा जी और कुछ जो है इस वाली में, हाँ खाखा, और कुछ जो है आगे रख लिया और आगे फिर उसका टाइम हो गया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कज़न खैरियत से पहुंच गए, सामान वगैरह रख लिया और बस अभी हम वापस निकलने लगे हैं। तो मेरे पास वही मेरे पुराने खिलाड़ी, पुराने साथी और सामान हमारे पास आ गए, बाकी कज़न वगैरह और जो है वो मामू के पास बैठ गए, तो अभी हम बस जाते हैं वापस। साइड से भाई ये टोल प्लाजे पे बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है, लेकिन हम साइडों से गाड़ी कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के गाड़ी निकाल रहे हैं तो देख हम तो कहीं ना कहीं से गाड़ियाँ जो हमें आराम बंद कर कहीं ना कहीं से गाड़ी निकाली और पहुंच गए। ट्रक वाला तो बहुत कोशिश कर रहा था कि हमसे गाड़ी आगे निकाले और वही गाड़ी आगे निकल भी गई, वही उसकी बारी आ गई पहले,
तो बस हम भी तकरीबन पहुंच गए टोल प्लाजा तक। इतना ज़्यादा रश में हम फिर भी हम 2 मिनट के अंदर अंदर टोल प्लाजा तक पहुंच ही गए। तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बस हमें जो है वो मोटरवे पर चढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।